पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सावन के आखिरी सोमवार पर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए गंगाजल लेकर आ रहे कावड़ भेड़ों से पीतल नगरी भगवा में हो गई। शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह रहा। दो माह तक चली कावड़ यात्रा की रौनक रविवार को आस्था के सैलाब में बदल गई। दिल्ली रोड पर एक तरफ लगे शिविरों की वजह से सड़क पर जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। हालात ये थे कि पैदल चलने के लिए भी लोगों को के इस बार पूरा लगभग दो महीने का सावन का महीना चला और इस बार 28 तारीख को अंतिम सोमवार और सावन का पड़ रहा है और इस पूरे दौरान सभी लोगों ने हम लोगों को काफ़ी सहयोग प्रदान किया है। आज यहां पर आप देख रहे होंगे कि नगर निगम के स्तर से जो हमारे कांवड़िए हैं उनकी सुविधा के लिए यहां पर कैंप लगाया गया है, उनको प्रसाद वितरण का कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की सभी लोगों पर कृपा रहेगी और हमारा जनपद निरंतर आगे की तरफ बढ़ेगा। जहाँ तक व्यवस्थाओं की बात है, पूरे ज़िले को सेक्टर और जोन में बांट करके पुलिस और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है और सभी अधिकारी अपने ड्यूटी पॉइंट पर बिल्कुल चुस्ती के साथ ड्यूटी कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार के सावन मास में ये अंतिम सोमवार जो पड़ रहा है इसमें बेहतर ढंग से हम व्यवस्थाएं दे पाएंगे और लोग अपनी भक्ति की भावना का प्रदर्शन कर पाएंगे। देखिए, जनपद में आप सभी को पता है कि अभी जो कांवड़ मेला है वो अंतिम सोमवार को श्रावण मास के यहाँ पे होता है और इसके लिए पूरे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में सेक्टर और जोन में डिवाइड करके हम लोगों ने ड्यूटियाँ लगाई है, जिसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटियाँ हैं। इसके साथ में पैरामिलिट्री और जो हमारी जो TAC है उसका भी हमने डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो जो दोनों मार्ग हैं, जो कार्ट मार्ग है और जो दूसरा जो गढ़मुक्तेश्वर से जो आने वाला मार्ग है, यहाँ पे हमने प्रॉपरली जो रूट डाइवर्जन भी किया है और जो ड्यूटियाँ हैं वो पूरी तरीके से लगाई है और शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम को संपन्न करा दिया। देखिए, आप सभी अवगत हैं कि इस बार अधिक मास के उपरांत उन्हें वास्तविक श्रावण मास की कांवड़ यात्रा आरंभ हो गई है और अंतिम चौथा सोमवार कल रविवार के बाद नियत है और उस दिन सर्वाधिक भीड़ श्रद्धालुओं की जनपद में एक्सपेक्टेड है। इसी के दृष्टिगत यहाँ हमने एक कांवड़ कैंप लगाया है जिसका उद्देश्य जहाँ एक तरफ श्रद्धालुओं को भोजन और विश्राम की बेहतर सुविधाएं नगर निगम की तरफ से उपलब्ध कराना है, वहीं प्रशासनिक व्यवस्था में लगे हुए हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो दिन रात ड्यूटी करेंगे उनके लिए भी सभी व्यवस्थाओं को समुचित तौर से संपन्न करने के लिए एक नियत स्थल हमने यहाँ प्रदान किया है। माननीय महापौर महोदय के निर्देशन में नगर निगम पूरी तरह से सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। लगातार 10 वर्षों से सावन के आखिरी सोमवार पर नगर निगम शिव भक्त कांवड़ियों के लिए ये कैंप का आयोजन करता रहा है। इससे नगर के अंदर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण का एक संदेश आता है। नगर निगम यूँ तो पूरे शहर की साफ सफाई, पूरे सावन भर में सभी मंदिरों पे पूरे पेयजल की व्यवस्था, अन्य सारी व्यवस्था करता ही है, परंतु इस आखिरी सोमवार पर नगर निगम अपने दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन के अंतर्गत हम इन सब कार्यों को कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, करते रहेंगे। एक इससे एक संदेश जाता है भाईचारे का। हम लोग नगर निगम मुरादाबाद में जिस तरह हम लोग ईद उल फितर के मौके पे रोज़ा अफ्तारी करते हैं, इसी तरह हिंदुओं के इस पर्व पर हम कांवड़ का आयोजन भी करते हैं। यही हमारी भाईचारे की हमारी परंपरा है। कांवड़ मेले की शुरुआत हो गई है, भगवान भोले के भक्तों का जयकारा लगना शुरू हो गया है। बहुत श्रद्धा के साथ भगवान भोले के भक्त गंगा से जल लेकर आ रहे हैं और आज नगर निगम के द्वारा हम हमारा ये कैंप लगाया गया है और इस कैंप के द्वारा हम लोग कल शाम रात्रि तक यहाँ पर ये चलेगा। यहाँ पर पूरा प्रसाद का वितरण होगा, अभी पूजा हुई, DM साहब, SSP साहब, मेयर साहब सब लोग यहाँ उपस्थित रहे, नगर आयुक्त जी। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है और ये मैं नगर निगम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, अपने मेयर साहब को खास तौर से,
कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। विगत 10 सालों से ये यहाँ पर कैंप लग रहा है, लगातार यहाँ पर प्रसाद का वितरण होता है। समस्त महानगर के निवासी जो जल लेकर आते हैं कांवड़ी में, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं उनके प्रति नतमस्तक हूँ, उनको नमन करता हूँ कि उनकी श्रद्धा से हमारा ये पूरा जो माहौल है ये भक्ति में हो रहा है। भगवान बोले उनको शक्ति दें, उनको सद्बुद्धि दें और इसी तरह से ये कार्यक्रम चलते रहें और हिंदुत्व का नाम होता रहे, हिंदुत्व आगे बढ़ता रहे। जय श्री राम। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।